हेलो एवरीवन कैसे हो सब लोग चलिए शुरू करते हैं विथ द डायरेक्ट टैक्स अमेंडमेंट्स फॉर नवंबर एज वेल एज डिसंबर 22 एग्जामिनेशन एंड दिस वीडियो इज गोइंग टू बी एप्लीकेबल फॉर सीए सीएस सीएमए इंटर एज वेल एज एग्जीक्यूटिव स्टूडेंट्स सो सर बिफोर स्टार्टिंग लेट्स डिस्कस की एग्जैक्टली अमेंडमेंट्स कितने हैं सो लेट मी टेल यू ज़्यादा अमेंडमेंट्स नहीं है जो भी अमेंडमेंट्स आपके अटेम्प्ट के लिए एप्लीकेबल है वो सिर्फ क्लैरिफिकेशन है ज्यादा नए सेक्शन एड नहीं नहीं हुए हैं सो वेस्टिंग एनी फॉर्दर टाइम लेट्स फॉर योर अटेम्प्ट। चालू करने के पहले अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया होगा सो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन मैं बहुत सारे मोटिवेशनल वीडियोजिप्स एंड ट्रिक्स के वीडियो अमेंडमेंट ये सब कुछ में आपके सामने लाते रहूंगा एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डोंट फर्गेट टू हिट द लाइक बटन और अगर अच्छा लगे तो कमेंट भी जरूर करना okay, so the the है हम, uh, हमारे अमेंडमेंट के लिए दैट इज कैपिटल गेंस अभी कैपिटल गेंस में टोटलेंट्स द फर्स्ट अमेंडमेंट जो है इफ आईव बिजनेस आई एम सेलिंग

वो अंडरटेकिंग का पैसा मिल रहा है ना मुझे दैट वॉज माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन पर ये टैक्स प्लानिंग के लिए तो कितना ईजी था 50 करोड़ का अगर पूरा अंडरटेकिंग होगा तो आई विल शो ओनली ट्वेंटी करोड़ एज माई लमसम अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन तो ये टैक्स प्लानिंग ने टैक्स का चोरी करने के लिए बहुत ईजी था एंड दैट इज माई गवर्नमेंट राइट नाउ अंडरस्टूड कि ये एक्चुअल कंसिडरेशन हम लोग कंसिडर नहीं करेंगे हम लोग कंसिडर करेंगे फेयर मार्केट वैल्यू सी इसलिए मैंने इधर लिखा है सी ये जो नोट्स है ये नोट्स मैंने खुद लिखे है यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू रेफर द मटेरियल द इंस्टीट्यूट मटेरियल फॉर द लास्ट डे बिकॉज ये जो नोट्स बनाए हैं ये नोट्स मैंने बनाए हैं विथ एन इंटेंशन कि आपको लास्ट डे में ये समराइज नोट्स हेल्प हो जाएंगे ठीक है सो so ये पूरे अच्छे से देखना मैंने सब कुछ कवर किया है नोट्स में देख ले नेट सेल कंसिडरेशन कैसे करते थे अर्लियर

आपको अगर फेयर मार्केट वैल्यू कंसिडर करना है और कंप्यूट करना है तो हम लोग एक मैनर देंगे वो मैनर में आपको वो फेयर मार्केट वैल्यू कंप्यूट करना पड़ेगा अभी ये फेयर मार्केट वैल्यू एफएमवी हम लोग कैसे कंप्यूट करेंगे सी देयर आर टू एफएमवीज हियर एफएमवी1 एंड एफएमवी2 इफ यू हैव इफ यू वांट टू कंप्यूट दिस एफएमवी आपको ये दो एफ निकल के कंपैरिजन करना पड़ेगा एंड विच एवर इज़ हायर जो होगा ये दो एफ में से दैट एफ इज गोइंग टू बी माय फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन एकदम परफेक्ट है अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं विद एम वी वन एफ एम वी वन बात कर रहा है एफ एम वी ऑफ द अट ट्रांसफर मतलब आपका जितना असेट ट्रांसफर हुआ है उसका हम लोग एफ एम वी लेंगे एंड दैट एफ एम वी इज गोइंग टू बी माई फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन जितना असेट ट्रांसफर किए उसका फेयर मार्केट वैल्यू कितना है वो कंसिडर करो ये आपका क्या बन जाएगा एफ एम वी वन उसके बाद वो कंपेयर किसके साथ करोगे एफ एम वी ऑफ देशन रिसीव जितना फेयर मार्केट वैल्यू कितना था वो मेरा होगा 2. ये सब कुछ इंफॉर्मेशन तुझे एग्जाम में क्वेश्चन में दिया होगा सो यू यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू वरी एट ऑल बट तुझे सिर्फ याद रखना है कि एफ एम वी वन क्या था एफ एम वी टू क्या था बाकी सब कुछ तुझे क्वेश्चन में दिखेगा ये दो एफ एम वी मिलने के बाद विच एवर इज हायर कॉल ऑफ जो पार्ट है दैट इज गोइंग टू बी माइ वॉट फुल वैल्यू ऑफ बेसिकली so है पहले फुल वैल्यू ऑफ अच्छा जितना मिलता था वो पर लोग झोल करने लगे एंड दैट इज वाई इट इज फेयर मार्केट वैल्यू ना एंड हाउ टू कम्प्यूट दैटी टोल्ड यू ओके सो दिस वॉज यूर फर्स्ट अमेंडमेंट इन कैपिटल गेंस दैट इज इन सेक्शन नंबर बी ओके okay. उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं यूलिप रिलेटेड प्रोविजंस यूलिप मतलब क्या यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान यूनिट लिंक्ड इंश्योरेंस प्लान के रिलेटेड जो जो प्रोविजंस थे वो कौन से भी प्रोविजंस तेरे अटेम्प्ट में एप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं जो जो यूलिप के रिलेटेड प्रोविजंस थे वो सब यूलिप के रिलेटेड प्रोविजन आपको आपके एग्जाम के लिए एप्लीकेबल नहीं होने वाले हैं यूलिप के प्रोविजन किधर किधर देखे थे हम लोग ने यूलिप के प्रोविजन एग्जिमशन में देखे थे यूलिप के प्रोविजन कैपिटल गेन में देखे थे यूलिप के प्रोविजन डिडक्शन में देखे थे ये सब जगह जो जो एप्लीकेबल मैंने सिखाया था तभी थे बट अभी आप, आपके अटेम्प्ट के लिए दिस इज नॉट एप्लीकेबल बट ये फाइनल के लिए डेफिनेटली एप्लीकेबल है एंड आई डिड नॉट से इनकम टैक्स से निकल गया आपके अटेम्प्ट के लिए इंटर एंड एग्जीक्यूटिव लेवल पे एप्लीकेबल नहीं है ये चीज एक याद रखना ये छोटा सा अमेंडमेंट था सिर्फ बताया सिर्फ इंफॉर्मेटरी था सो so, दो अमेंडमेंट्स कैपिटल के आई होप क्लियर फिफ्टी बी में क्या था एंड सेकंड इज यूलिप के रिलेटेड प्रोविजन आर नॉट एप्लीकेबल एट ऑल सो बेसिकली आपको ये पढ़ने का रिक्वायरमेंट नहीं है ठीक है मैं आगे बढ़ता हूं सबसे खतरनाक अमेंडमेंट जिसमें है ना सबसे खतरनाक ये, ये चैप्टर में टीडीएस टीसीएस एडवांस टैक्स टी डी एस टी सी एस एडवांस टैक्स में भर भर के भर भर के अमेंडमेंट्स है बट सारे अमेंडमेंट्स बहुत ईजी है और आई हैव सिंप्लीफाइड ईच एंड एवरी अमेंडमेंट फॉर यू यू विल नॉट यून फील दैट यू नो इट वॉज डिफिकल्ट ठीक है ओके फर्स्ट है सेक्शन नंबर वन नाइनटी फोर पी में अभी वन नाइनटी फोर पी एग्जैक्टली क्या था मैं तुम लोग को मेरे नोट से समझाऊंगा नाउ इफ यू है इफ यू आर नॉट माई स्टूडेंट अगर आपने किसी और से लेक्चर्स लिए ले होंगे और किसी और से पढ़ा होगा तो यू कैन ओपन योर

80 years ऑफ age एंड यू आर गेटिंग पेंशन देन इन दैट केस जो बैंक आपको पेंशन का पेमेंट करता था ना वो बैंक आपका वो पेंशन का पेमेंट करते वक्त टीडीएस काट के पेमेंट करता नाउ द क्वेश्चन इज इधर तक तो तुम लोग को मालूम है बिकॉज ये प्रोविजन तो लास्ट अटेम में भी था बट द मेन पॉइंट इज इधर अमेंडमेंट क्या आया इफ यू सी यूर सी वन नाइनटी फोर पी वॉर टॉकिंग अबाउट पेंशन हु पेयर पेंशन कौन पेमेंट कर रहा था पेंशन का बैंक पेंशन का पेमेंट कर रहा था मतलब ये कौन है बैंक नोटिफाइड स्पेसिफाइड बैंक ओके उसके बाद पे मतलब यू आर द बिकॉज़ यू आर ऑफ एंड यू आर गेटिंग द पेंशन तो यू आर स्पेसिफाइड सीनियर सिटीजन पे रेट कितना था रेट इन फोर्स हम लोग ने वो नॉर्मल लेक्चर्स में ऐसे सब डिस्कस किया था बट अभी अमेंडमेंट क्या मालूम है अमेंडमेंट में वॉट इज स्पेसिफाइड बैंक ये किसी ने कभी डिफाइन किया ही नहीं था

वो टॉपिक पढ़ा सकता हूँ राइट नाउ उतना पढ़ाऊंगा बट आई एम अज्यूमिंग यू नो दैट यू नो दैट वॉट इज वन नाइनटी फोर पी सो इतना में आई गेस आई होप अजम्सन ले सकता हूँ और मैं आगे बढ़ सकता हूँ ओके द नेक्स्ट सेक्शन इज सेक्शन वन नाइनटी फोर क्यू नाउ सेक्शन नाइनटी क्यू में ही पूरे अमेंडमेंट है टीसीएस एंड एडवांस टैक्स के चैप्टर में मतलब जो जो क्लैरिफिकेशन उन्होंने वो सब क्लारिफिकेशन्स, so, uh, 194Q पे थोड़ा सा फोकस रखना बिकॉज मेजर अमेंडमेंट जो ये आपके अटेम्प्ट के लिए है वो सब वन नाइन्टी फोर क्यू में ही है बट मैंने सबका सब क्लैरिफिकेशन का uh, सिंप्लीफाइड वर्जन आपके लिए बनाया है सो यू डोंट नीड टू वरी एट ऑल बट बिफोर स्टार्टिंग वन नाइनटी फोर क्यू आई वॉन्ट टू है क्विक एंड रैपिड रिविजन ऑफ दिस पर्टिक्यूलर सेक्शन एक्जैक्टली ये क्या वन नाइनटी फोर क्यू ना वन नाइनटी फोर क्यू क्या था सबसे ऊपर मैंने लिखा है तौर पर बात करते हैं यू आर द बायर एंड आई एम द सेलर आई एम सेलिंग सर्टन गुड्स टू यू एंड फॉर दैट यू हैव टू मेक अ पेमेंट टू मी गवर्नमेंट सेटन केसेस इफ यू आर परचेसिंग द गुड्स एंड यू आर मेकिंग मी आपको टीडीएस काटना पड़ेगा आपको टीडीएस काटना पड़ेगा बट सब सब बायर को टीडीएस काटना पड़ता है क्या नहीं ओनली एलिजिबल बायर्स को ही टीडीएस काटना पड़ता है अंडर सेक्शन वन क्यू अभी ये टीडीएस काटने के लिए जो एलिजिबल बायर्स का बात कर रहा हूं वो कौन होने चाहिए तो इफ यू आर दैट बायर

इफ द वैल्यू ऑफ दैट परचेस ड्यूरिंग द एंटायर फाइनेंशियल ईयर मतलब एग्रीगेट टोटल एग्रीगेट अगर वो बायर ने एक सेलर से एग्जाम्पल से बात करेंगे यू आर द बायर ऑन द सेलर राइट अगर आपने मेरे से पूरे फाइनेंशियल ईयर में फिफ्टी लैक्स ,00 के ऊपर के गुड्स परचेस किए होंगे तो आपको टीडीएस काटना पड़ता है और कितना काटना पड़ता है जीरो पॉइंट वन परसेंट ऑफ सम इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी लैक्स मतलब अगर आपने मेरे से पूरे फाइनेंशियल ईयर में फिफ्टी टू लैक्स का परचेज किया है तो इन एक्सेस ऑफ फिफ्टी लैक्स मतलब टू लैक्स पे जीरो पॉइंट वन परसेंट का टी आपको काटना पड़ेगा और जब भी आप मुझे पेमेंट करोगे ना तभी यह टीडीएस काट के पेमेंट करोगे सो अगेन अलोंग विथ मी सबका ध्यान इधर अलोंग विथ मी चार पॉइंट आप खुद को क्या पूछेंगे फर्स्ट हु इज दैट बायर जिसको वन नाइनटी फोर क्यू लगेगा दैट बायर लास्ट इन टर्न ओवर शुड बी मोर देन टेन करोर परफेक्ट है पॉइंट नंबर टू फॉर वॉट किसके लिए फॉर परचेस ऑफ गुड्स पॉइंट नंबर थ्री वैल्यू क्या है आपने जो मेरे से परचेस किया था ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर में एक एक ट्रांजैक्शन का बात नहीं कर रहा हूं मैं बोल रहा हूं ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर आपने मेरे से कितना परचेस किया था इफ इट इज मोर केस आपको टीडीएस काटना पड़ेगा और कितने रेट पे काटना पड़ेगा फिफ्टी लैक्स के एक्सेस में जो जितना अमाउंट है उस पे जीरो पॉइंट का टी डी एस आपको काटना पड़ेगा दिस इज योर वन नाइनटी फोर क्यू बट ये जो पॉइंट जितना हम लोग को इजी लगा ये चार पॉइंट्स आइडेंटिफाई करके हुआ वैल्यू एंड रेट पर ये इतना ईजी नहीं है इसमें बहुत सारे कन्फ्यूजन है और वही कन्फ्यूजन उन्होंने ये क्लैरिफिकेशन देकर दूर किए हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल विल अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम एंड देन वी विल अंडरस्टैंड द ओके अभी होता क्या था यू आर द बायर आपने अगर मेरे से रॉ मटीरियल खरीदा तो यू नो आई एम द सेलर राइट बिकॉज यू आर परचेसिंग फ्रॉम मी बट इफ यू परचेस एनी शेयर इफ यू परचेस एनी शेयर कमोडिटी तो अगर शेयर एंड कमोडिटी अगर आप परचेस कर रहे हो तो इस पे भी वन नाइनटी लगना चाहिए बराबर ना बिकॉज वो परचेस है अगर परचेज पे लग रहा है एंड यू आर द बायर बट यू आर नॉट बाइंग फ्रॉम एनी स्पेसिफिक पर्सन नो यू आर बाइंग फ्रॉम अ शेयर मार्केट यू आर बाइंग फ्रॉम स्टॉक एक्सचेंज यू डोंट नो हु द सेलर तो आप जब भी पेमेंट करोगे आप टीडीएस कैसे काटोगे ये एक क्वेश्चन बहुत वैलिड क्वेश्चन अराइज हुआ था बिकॉज यू अंडरस्टैंड वंस मोर यू आर बाइंग द गुड्स बट वो क्या है वो शेयर्स है या कमोडिटी है गुड्स यू डोट नो हु तो ये केस में वन नाइन क्यू कैसे लगेगा तो उन्होंने ये चीज बहुत इजिल क्लैरिफाई कर दिया कि अगर आप स्टॉक मार्केट से रिकॉग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज से कुछ भी परचेस कर रहे हो आपका लास्ट ईयर का टर्न ओवर इज मोर देन टेन करोर आपका ट्रांजेक्शन वैल्यू पूरे साल में एग्रीगेट इज मोर देन फिफ्टी लैक्स बट स्टिल यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू डिडक्ट दीडीएस 194Q will not be विल नॉट बी of इन केस ऑफ are विच यू आर एंटरिंग to purchase इन रिलेशन टू exchange. थ्रू रिक्नाइज स्टॉक एक्सचेंज दोस्त समझा कि नहीं समझा ये मैंने फर्स्ट पॉइंट में लिखा है देख वॉट अबाउट शेयर मार्केट ट्रांजेक्शन सो फिफ्टी लैक्स इज अ वेरी कॉमन इज अ वेरी कॉमन थिंग इन शेयर मार्केट एंड आई डोट नॉट नो हुर एज वी परचेस इट फ्रॉम द स्टॉक एक्सचेंज ट्रांजेक्शन इन इलेक्ट्रिसिटी रिनेजी सर्टिफिकेट ट्रेडेड थ्रू रजिस्टर्ड पावर एक्सचेंज अगर ये भी अगर ट्रांजेक्शन आपका हुआ होगा तो उसके लिए भी आपको

म इन टू फोर्स ऑन वन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी जुलाई टू थाउजेंड ट्वेंटी रूल एप्लीकेबल हुआ बट आपने जब मेरे साथ ट्रांजेक्शन किया ना उसमें मैंने क्या बोला था वन नाइन क्यों में आपने अगर मेरे साथ ट्रांजेक्शन किया है और द एग्रीगेट वैल्यू इज मोर देन फिफ्टी लैक्स तो आपको टी डी एस काटना पड़ेगा बट आप वो फिफ्टी लैक्स का जो वैल्यू है वो फिफ्टी लैक्स का वैल्यू कब से कंप्यूट करोगे वो फिफ्टी लैक्स का वैल्यू फर्स्ट फर्स्ट जुलाई से करोगे जब से लॉ uh, एप्लीकेबल हुआ और फर्स्ट अप्रैल से करोगे दैट इज द फर्स्ट ईयर ऑफ द फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर दापिसक्टली आया कभी ये लॉ आया आयान सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन ओके उसके बाद ये लॉ आने के बाद ये लॉ में क्या बोला फिफ्टी लैक्स के ऊपर अगर आपका परचेस होता होगा देन इन दैट केस आपको टीडीएस काटना पड़ेगा ओके यू आर अ अर यू आर अ बायर इन दैट केस पचास लाख का वैल्यू जो है एग्रीगेट पूरे साल में हम लोग जो कंप्यूट कर रहे हैं वो पचास लाख का वैल्यू वन सेवन से आगे कंप्यूट होगा या फिनेंशियल ईयर के फर्स्ट डे से कंप्यूट होगा ये उनका क्वेश्चन था तो उन्होंने इसका क्लैरिफिकेशन दिया उन्होंने बोला इवन दो द लॉ केम ऑन वन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बट स्टिल फिफ्टी लैक्स लिमिट विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम वन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी लैक्स लिमिट विल स्टार्ट फ्रॉम 1, 4, 2021 मतलब फर्स्ट डे ऑफ द फाइनेंशियल ईयर से से आपने जितने भी परचेसेस मेरे किए हैं उसका एग्रीगेट वैल्यू 50 लाख से ज्यादा है तो आपको टीडीएस काटना पड़ेगा 50 लाख का वैल्यू वी विल नॉट स्टार्ट फ्रॉम वन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन बट विल स्टार्ट फ्रॉम फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन दोस्त एकदम चकाचक क्लियर है ग्रेट दिस वॉज योर सेकेंड क्लैरिफिकेशन अभी तीसरा क्लैरिफिकेशन क्या था एडवांस मनी पेड बाय बायर अगर आपने मुझे लॉ आने के पहले ही एडवांस मनी देके रखा है तो टीडीएस कैसे मुझे पैसा पेमेंट कर दिया था so उसपे कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं जो गाया हो भूल जाओ ठीक है उसपे टीडीएस का कुछ भी ट्रीटमेंट नहीं करेंगे परचेस रिटर्न बायर व्हाट टू डू अभी थोड़ा सा स्लो जाऊंगा मैं Purchase return by the buyer, understand? I am I am selling this pen to you. Okay, lot of pens. ऐसे pens बेच रहा हूँ 60 lakhs के. आपका last year का turnover is more than 10 crore. You are purchasing the goods worth 60 lakhs. मतलब you are making a payment of 60 lakhs. बराबर. तो आपने purchase किया. You made a payment of 60 lakhs. आपने TDS काट लिया. Because eligible है TDS काटने के लिए 194 क्यों में. अपने टीडीएस काटने के बाद आपने जब ये पेन देखा ए यार क्या छपरी क्वालिटी का पेन बेचा है इसने तो मैं क्या करूंगा ये पेन वापस दे दूंगा ऐसे आपने बोला बायर so, जो आपने 60 लैक्स ,00 के वर्थ का गुड्स परचेस किया था आपने 20 लैक्स ,00 के वर्थ का गुड्स जो है ना वो रिटर्न कर दिया 20 लैक्स ,00 के गुड्स जितना वर्थ था जितने वर्थ के गुड्स थे वो अपने क्या किए? रिटर्न कर दिए। बट योर क्वेश्चन तो कैन कैन आई आई से से आपके पास अभी जो गुड्स है वो सिर्फ 40 ,00 के गुड्स एंड लाख के नहीं है पहले सिक्सटी लैक्स ,00 के गुड्स आपके पास गए थे और सिक्सटी लैक्स ,00 आपने पेमेंट किया। कियाव ट्वेंटी लैक्स वर्थ गुड्स यू गुड्स बट यू हैव डिडक्टेड टीडीएस ऑन लैक्स राइट तो वो जो ट्वेंटी लैक्स पे जो टीडीएस कटा है उसका क्या करेंगे तो वापस रिवाइंड करो पर इजी है कुछ समझने के लिए डिफिकल्ट नहीं है साठ में से चालीस के गुड्स आपके पास है बीस आपने रिटर्न किए तो बीस लाख पे जो आपने टीडीएस काटा था ना वो ट्वेंटी लैक्स पे जो टी था उसका क्या अंडरस्टैंडिंग श्योर एकदम ओके सो बेसिकली जो आपने बेसिकली जो एक्सेस टीडीएस काटा था जितना एक्सेस टीडीएस काटा था ओके आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल और वो एग्जाम्पल से थोड़ा सा बात करेंगे हम मतलब मैं थोड़ा सा डिटेल में जा रहा हूं बिकॉज कैसा है कि अदरवाइज यूल से कि हा समझा 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 पर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और अगर नहीं समझा इंप्लीमेंट कैसे करना है तो मजा नहीं आएगा सी आपने मेरे से गुड्स परचेज किए थे थोड़ा चेंज करता दो एग्जाम्पल आपने मेरे से गुड्स परचेस किए थे एक करोड़ के बराबर आपने परचेस किए उसके बाद ट्वेंटी लैक्स ,00 के गुड्स आपने क्या, क्या? रिटर्न किया रिटर्न किए जब भी आपने एक करोड़ के गुड्स परचेस किए थे आपने टीडीएस काट लिया था बराबर टीडीएस काट लिया था कितने पे टीडीएस काटा होगा 50 लैक्स पे फिफ्टी पे, लैक्स के ऊपर के okay. अभी माई पॉइंट इज ट्वेंटी करोड़ का ही वो पार्ट है तो ये जो टीडीएस ऑलरेडी कट चुका है ये टी डी एस का हम लोग क्या करेंगे ये का हम लो क्या करेंगे तो उन्होंने बोला कि अगर ऐसा सिचुएशन है वेयर देयर इज अ परचेस रिटर्न द बायर एन इन दैट केस आप जब नेक्स्ट टाइम मुझे परचेस करोगे मेरे से और उसका जब पेमेंट करोगे तभी उतना टीडीएस क्या करोगे काटोगे या नहीं काटोगे उतना टीडीएस आप नहीं काटोगे बिकॉज यू हैलरेडी डिडक्टेड दैट मच टीडीएस और एक्स्ट्रा टीडीएस राइट एकदम परफेक्ट है एकदम परफेक्ट है ग्रेट अगर आपको इसमें कुछ भी डाउट होगा यू कैन टेल मी आस मी इन द कमेंट बॉक्स और अगर आपको कमेंट बॉक्स में नहीं पूछना है, तो मुझे टेक्स्ट करके पूछ सकते हो आई एम आई एम गोइंग टू गिव माई नंबर इन द कॉमेंट बॉक्स सॉरी आई एम गोइंग टू गिव माई नंबर इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स यू कैन चेक दैट नंबर एंड यू कैन टेक्स्ट मी आई विल टू यू ठीक बट इतना डिफिकल्ट नहीं है उसके बाद में आगे जाता हूं इन केस ऑफ परचेज रिटर्न मैंने आपको गुड्स भेजे आपने परचेज रिटर्न किया बट बायर डिड नॉट टेक द रिफंड आपने मुझे क्या बोला कि मुझे रिफंड मत दो गुड्स का रिप्लेसमेंट करके दो मैंने गुड्स बेचे एक करोड़ के आपको ट्वेंटी लैक्स के गुड्स पसंद नहीं आए आपने वो गुड्स वापस भेजे और आपने बोला कि मुझे रिफंड नहीं चाहिए मुझे क्या चाहिए गुड्स रिप्लेस करके चाहिए तो मैंने क्या किया जो ट्वेंटी लैक्स के मेरे पास गुड्स वापस आए थे ना वो चेंज करके आपको मैंने नए गुड्स दे दिए सो क्या से आपके पास एक करोड़ के ही गुड्स है वापिस अभी अच्छे वाले गुड्स

पूरा का पूरा टीडीएस एप्लीकेबल जो पहले हो रहा था वही कंटिन्यू होगा इसमें कुछ भी एडजस्टमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है दिस इज योर फिफ्थ पॉइंट मैं बहुत स्लो जा रहा हूं ये ये फोर्थ एंड फिफ्थ पॉइंट बिकॉज दोनों इंपॉर्टेंट है ओके नाउ द नेक्स्ट पॉइंट इज वाइल्ड कंप्यूटिंग टीडीएस शुड वी इंक्लूड द जीएसटी कॉम्पोनेंट नाउ मैं जब भी आपको इनवॉइस दूंगा मैं जब भी आपको इनवॉइस दूंगा कि आप, आपको इतने का पेमेंट करना है सो कैन आई से उस पर जीएसटी भी होगा तो अगर समझो एक करोड़ का पेमेंट है एक करोड़ का वर्थ है गुड्स का और उसपे एटीन लैक्स का जीएसटी है तो आप वन करोड़ एटीन लैक्स माइनस फिफ्टी लैक्स करके टीडीएस काटोगे या वन करोड़ माइनस फिफ्टी लैक्स करके टीडीएस काटोगे बेसिकली जीएसटी कॉम्पोनेंट कंसिडर करना है कि नहीं टीडीएस कैलकुलेट करते वक्त तो उन्होंने बोला कि जीएसटी कंपोनेंट कंसीडर मत करो अगर इन माय इनवॉइस अगर वो सेलर के इनवॉइस में अगर वो सेलर के इनवॉइस में जीएसटी सेपरेटली शोन है तो जीएसटी इग्नोर करो बट अगर सेलर के इनवॉइस में जीएसटी सेपरेटली शोन नहीं है टीडीएस ऑन पूरा अमाउंट पे टीडीएस काट दो बराबर है इफ द अमाउंट पेड इन एडवांस इफ द पेमेंट अमाउंट इज पेड इन एडवांस मतलब क्या कि अगर एडवांस में पेमेंट हुआ है आपने मुझे एडवांस में पेमेंट दिया था जिसका बिल ही जनरेट नहीं हुआ था सो so, आपको पता कैसे चलेगा कि जीएसटी उसमें था या नहीं था तो उन्होंने बोला कि जितना आप पेमेंट कर रहे हो ना वो पूरे अमाउंट पे टीडीएस काट दो एडवांस एडवांस के अड़वांस के केस में राइट right? वापस कंप्यूटिंग टीडीएस जीएसटी इंक्लूड करना है या नहीं करना है आपके पास इनवॉइस है है वो इनवॉइस में देखो जीएसटी कंपोनेंट है या नहीं है अगर जीएसटी कंपोनेंट है उठाओ फेंक दो उसको कंसीडर मत करना टीडीएस में अगर जीएसटी कंपोनेंट लिखा ही नहीं है तो पूरा का पूरा अमाउंट लो उस पर टीडीएस कंप्यूट करो जैसे 194Q में बोला है उसके बाद अगर आपने advance में 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 किया 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 कुछ कुछ अगर किया होगा तो आपको मालूम तो या नहीं, मालूम नहीं, मालूम नहीं है एंड दैट इज वाईवां अडवांस पेमेंट केस में आपको पूरे अमाउंट पे टीडीएस काटना पड़ेगा दोस्त एकदम चकाचक ओके उसके बाद पॉइंट सेवन पे ध्यान देना पॉइंट सेवन आपको बहुत इंपॉर्टेंट मैं नहीं मानता ये पॉइंट को बिकॉज ये ये जो कॉन्सेप्ट है ये कॉन्सेप्ट फाइनल लेवल पे आएगा सो आई विल टेल यू बट जितना आप, जितना आपके लिए एप्लीकेबल है और जितना आपके लिए अंडरस्टैंडेबल है इफ द बायर इज अन रेसिडेंट टी डी लगेगा क्या यू आर फिरंग तुम लोग फिरंग हो यू आर कमिंग इन इंडिया आपने कुछ गुड्स परचेस किया जिसका वैल्यू है मोर देन फिफ्टी लैक्स और आपका लास्ट ईयर का टर्नओवर ओवर इज मोर देन टेन करोड़ तो अगर आप नॉन रेसिडेंट होंगे तो आपके लिए टीडीएस एप्लीकेबल होगा क्या जब आप मुझे पेमेंट करोगे तभी आप टीडीएस के पेमेंट करोगे या नहीं करोगे ये क्वेश्चन है तो उन्होंने एक चीज बोला अगर आप ऐसे नॉन रेसिडेंट हो अगर आप ऐसे नॉन रेसिडेंट हो जिसका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इज इन इंडिया

जिनका परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है उनके लिए एप्लीकेबल नहीं होगा नो ये जो परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट है ना ये परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट का कॉन्सेप्ट एक्चुअली इनकम टैक्स एक्ट में लिखा ही नहीं है लोगों को बता रहा हूं कैसे इनकम टैक्स एक्ट में परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट को दे हैव कॉल्ड इट बिजनेस कनेक्शन अंडर सेक्शन नाइन बिजनेस कनेक्शन से उन्होंने रेफरेंस uh, दिया है परमानेंट ये इनकम टैक्स एक्ट में है ही नहीं uh, uh, बट मतलब स्टिल वो होना चाहिए बिजनेस कनेक्शन ठीक है वॉट हम लोग को याद कितना क्या रखना है अगर वो नॉन रेसिडेंट होगा बायर उसका अगर पीई परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में है तो उसको टीडीएस काटना पड़ेगा वो भारतीय बन गया ऐसे मानेंगे और उसको टीडीएस प्रोविजन एप्लीकेबल हो जाएगा बट जिसका पी इंडिया में नहीं है परमानेंट एस्टेब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है उसके लिए वन क्यू के अंडर टीडीएस काटने का रिक्वायरमेंट नहीं है ओके दीज आर योर सेवन क्लैरिफिकेशन जो हम लोग ने अभी डिस्कस किए एक बार फटाफट देखते क्या था फर्स्ट था क्लैरिफिकेशन वो स्टॉक मार्केट के ट्रांजेक्शन पे था स्टॉक एक्सचेंज से कौन सा अगर ट्रांजेक्शन होता होगा टीडीएस नहीं लगेगा उसके बाद लॉ आया था वन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन को बट ये एप्लीकेबल होता है फिफ्टी लैक्स अगर मुझे कंप्यूट करना है तो फिफ्टी लैक्स में वन सेवन टू थाउजेंड ट्वेंटी वन से कंप्यूट नहीं करूंगा फिफ्टी लैक्स आई विल कंप्यूट फ्रॉम वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी वन और उसके हिसाब से देखूंगा कि फिफ्टी लैक्स क्रॉस हो रहा है पॉइंट नंबर अगर में पेमेंट हुआ होगा, होगा परचेस का तो किया था पूरे अमाउंट पे टीडीएस तो काट लिया बट उसमें से आधा चीज आपने वापिस रिटर्न कर दिया तो आधे चीज जितना रिटर्न किया उतने, उस पर ऑलरेडी आपने टीडीएस काट चुके हो आप तो उसका वो टीडीएस का क्या करेंगे

टली so so, तो तो इस पर लगने वाला है और जो पहले लगा हुआ है वो ऐसा ही रखना आगे कुछ भी एडजस्टमेंट करने का रिक्वायरमेंट नहीं है बाद में देखा था जीएसटी कॉम्पोनेंट अगर सेपरेटली शोन है तो एक्सक्लूड करो सेपरेटली शोन नहीं है तो है तो टीडीएस तो लगेगा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट इंडिया में नहीं है तो टीडीएस नहीं लगेगा परमानेंट एस्टैब्लिशमेंट मतलब बिजनेस कनेक्शन मतलब फिक्सड प्लेस ऑफ बिजनेस इन इंडिया ओके

मतलब अगर वो आप जो मुझे पेमेंट कर रहे हो वो इनकम मेरे लिए टैक्सेबल ही नहीं होगा देन इन दैट केस वाई विल यू डिडक्ट द टीडीएस टी डी एस लाइबिलिटी अराइज होता है ओनली वेन मेरे लिए वो इनकम टैक्सेबल हो तो ही अगर मेरे लिए ही इनकम नॉट टैक्सेबल है देन इन दैट केस आपके लिए टीडीएस का रिक्वायरमेंट इज नॉट एप्लीकेबल एंड दिस इज योर पॉइंट नंबर एट So, मैंने वही लिखा है वॉट इफ सेलर्स इनकम इज एक्ट मेरा इनकम एक्समट हुआ तो क्या बेसिक्स ऑफ टीडीएस क्या बोलता है टीडीएस इज टू बी डिडक्टेड ओनली वेन द इनकम ऑफ द अदर पर्सन इज टैक्सेबल वो टैक्सेबल होगा तो टीडीएस आएगा अगर वो एग्जेप्ट है तो टीडीएस नहीं आएगा and in that case in this case if the seller's income is exempt then of course tds requirement will not arise this is your point number 8 but usme ek point hai what if the partial income is exempt matlab aapne jitna mujhe payment kiya pura ka pura exempt nahi hai pura ka pura exempt nahi hai thoda sa income taxable hai thoda sa income exempt hai then in that case 50-50 परसेंट -50, -50 भी होगा ना तो भी आप टीडीएस जो काटोगे ना वो टीडीएस पूरे अमाउंट पे काटोगे और टीडीएस प्रोविजन विल बी एप्लीकेबल ओके दिस इज योर पॉइंट नंबर एट ओके नाउ पॉइंट नंबर नाइन पे जाते हैं वॉट इफ द बायर्स कंपनी इज इनकॉपरेटेड इन द करंट ईयर सो हाउ टू कंप्यूट लास्ट इन टर्न ओवर अभी इसका रिलेवेंस क्या है 194Q के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है द बायर शुड बी एलिजिबल बायर एलिजिबल बायर कभी बनता है वेन दैट बायर्स प्रीवियस ईयर लास्ट ईयर टर्न ओवर इज मोर देन टेन क्रोर्स बट यू आर अ बायर और आपने अगर कंपनी यही फाइनेंशियल ईयर में चालू किया अगर यही फाइनेंशियल ईयर में चालू किया है वो कंपनी सो कैन से इन द प्रीवियस ईयर मतलब उसके पास्ट ईयर आपका कुछ है ही नहीं बिकॉज ये फाइनेंशियल ईयर में तो आपका इनकॉपरेट हुआ है देन इन दैट केस लगेगा कि नहीं लगेगा इतना बेसिक क्वेश्चन उन्होंने पूछा है अफकोर्स अगर यही फाइनेंशियल ईयर में इनकॉपरेट हुआ है तो लास्ट ईयर का कुछ डेटा ही नहीं है अगर डेटा ही नहीं है देन इन दैट केस आई एम यू आर नॉट द एलिजिबल बायर एंड दैट इज वाय वन नाइन फोर क्यू विल नॉट बी एप्लीकेबल इन दैट केस दिस इज योर पॉइंट नंबर नाइन राइट सो आई एम रीडिंग इट व्हाट इफ द बायर्स कंपनी इज इंकॉर्परेटेड इन द करंट ईयर सो हाउ टू कंप्यूट लास्ट इन टर्नओवर विल दिस प्रोविजन एप्लीकेबल टू सच बायर्स ईयर का टर्नओवर इज नॉट मोर देन टेन करोड़ परफेक्ट ओके दिस इज योर पॉइंट नंबर नाइन पॉइंट नंबर टेन पे आता हूं फॉर अ बायर शुड वी कंसिडर ओनली बिजनेस टर्न और बिजनेस प्लस नॉन बिजनेस टर्न ओवर सिर्फ आपका ही लूंगा मैं नाउ यू हैव अ बिजनेस

फॉर वन नाइनटी फोर क्यू और नो उसके लिए लास्ट ईयर का टर्न ओवर दिखते हैं सिर्फ बिजनेस एक्टिविटी होना चाहिए या yes, दोनों सब पूरा टर्न ओवर हम लोग कंसिडर करेंगे तो इसका क्लैरिफिकेशन उन्होंने पूछा था तो उन्होंने एक चीज बहुत अच्छे से क्लैरिफाई किया उन्होंने बोला दैट कंसिडर ओनली बिजनेस टर्न ओवर

ओके okay. सी ये पॉइंट नंबर टेन में देखो टोटल टर्न तो मोर देन टेन करोर है पर वो हम लोग को टोटल नहीं देखना है हम लोग को क्या देखना है सिर्फ बिजनेस टर्नओवर देखना है एंड इफ दैट इज मोर देन टेन करोर तो ही वो एलिजिबल हो जाएगा 194 क्यू के लिए दोस्त एकदम क्लियर है ओके okay, अभी आगे बढ़ते हैं सबसे इंपॉर्टेंट बहुत इंपॉर्टेंट है सबका ध्यान इधर चाहिए जो भी कुछ आपके हाथ में है फोन है जो भी कुछ है प्लीज बाजू में रखो बिकॉज दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट नंबर इलेवन इंटरलिंकिंग ऑफ थ्री सेक्शंस 194Q 206C1H एंड 194O अभी 194Q क्या है हम लोग ने अभी देखा परचेस के केस में टू सॉरी टू क्या है अगर आपको ये याद नहीं होगा तो एक बार पॉज करके एक बार पॉज करके मेरा ही टीडीएस टीसीएस का चैप्टर देखो टी डी एस चैप्टर में आपको का नीचे कमेंट बॉक्स के इधर टाइम मिलेगा वो प्लीज टीसीएस का टाइम स्टैम्प जाओ और वो कॉन्सेप्ट एक बार देखो टू जीरोक्टली सिमिलर टू वन नाइन क्यू वन नाइनटी फोर क्यू बायर के परस्पेक्टिव से था एंड टू जीरो सिक्स जो था वो सेलर के परस्पेक्टिव से था क्या था टू जीरो सिक्स टू जीरो सिक्स था कि जो सेलर है उसका लास्ट ईयर का टर्न ओवर इज मोर देन टेन करोर उसने जो गुड्स बेचे उसका वैल्यू इज मोर देन फिफ्टी लाख रुपीज अगर ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे है देन सेलर विल हैव टू कलेक्ट दी एस फ्रॉम द बायर प्रोविजन एग्जैक्ट सेम है वन नाइनटी फोर क्यू बायर के परस्पेक्टिव से है टू जीरो सिक्स सी वन एच सेलर के परस्पेक्टिव से है टू जीरो करता है वन नाइन्टी फोर क्यू टीडीएस का बात करता है ओके इंटरलिंकिंग ऑफ दीज टू सेक्शन एंड वन नाइनटी फोर ओ ऑल्सो नाउ वॉट वॉज वन नाइनटी फोर ओ एक बार वो देखते हैं वन नाइनटी फोर ओ में इफ यू परचेस एनीथिंग फ्रॉम एनी ई कॉमर्स ऑपरेटर ई कॉमर्स ऑपरेटर समझो ना ई कॉमर्स ऑपरेटर एमेजॉन फ्लिपकार्ट से मैंने अगर कुछ परचेस किया तो वन नाइनटी फोर ओ में वो ट्रांजेक्शन फॉल होता है ये देखो इधर एक बार अच्छे से वन नाइनटी फोर ओ पॉज करके पढ़ लेना एंड आफ्टर दैट वी विल मूव हेड ओके अभी एक बार बात करते हैं वन नाइनटी फोर क्यू में मैं एक एक चीज तोड़ तोड़ के सिखाया है सो तुझे याद भी नहीं होगा ना तो भी तुझे ऑटोमेटिकली ये पढ़ के याद आ जाएगा बिल्कुल टेंशन मत लेना ओके नाउ देर आर टू पार्टीज योर पूरा ध्यान इधर दोस्त

Then in that case, क्या लगेगा 194Q लग जाएगा है 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 उसके बाद बाद नीचे नीचे आता नीचे आने के सेम लेते हैं है, है. का लास्ट का लेस 10 मतलब 194Q नहीं लगने वाला है बराबर अभी सेलर के परस्पेक्टिव से बात करते हैं सेलर का लास्ट ईयर का टर्न ओवर वॉज मोर देन टेन क्रोर देन इन दैट केस टीसीएस लग जाएगा इसमें और जब टीसीएस लगता है तभी कौन सा सेक्शन लगेगा टू जीरो सिक्स सी वन एच ओके उसके बाद बात करते हैं पॉइंट नंबर पे आते हैं थोड़ा सा वेरिएशन देर आर टू पार्टीज वन पार्टी सेकेंड सेलर बायर का लास्ट ईयर का इज मोर देन टेन करोर सेलर का लास्ट ईयर का टर्न ओवर इज लेस देन टेन करोर सेलर का लास्ट ईयर का टर्नओवर टर्न ओवर लेस टर्नओवर लेस देन टेन करोड़ है ना मतलब टीसीएस लगने ही नहीं वाला है

टीडीएस लग जाएगा 194 क्यू के अंडर बट इधर उसने बायर ने जो गुड्स परचेस किए थे ना वो गुड्स परचेस ई कॉमर्स के थ्रू किए जो बायर ने गुड्स परचेस किए वो गुड्स ई कॉमर्स के थ्रू किए मतलब इधर 194 ओ भी लगेगा एंड 194 क्यू भी लगेगा तो सर क्या दोनों टीडीएस के प्रोविजंस एप्लीकेबल हो जाएंगे क्या वो बायर पे आंसर इज नो इफ देर इज अफ Uh, 194 O and 194 Q both are applicable.

बायर का लास्ट ईयर का टर्न ओवर इज लेस देन टेन करोर खेल खत्म टी डी एस वन नाइनटी फोर करेक्ट ना क्योंकि बायर का लास्ट ईयर का टर्न ओवर इज मोर देन टेन करोर मतलब इधर टीसीएस आ सकता है अगर ये गुड्स का वैल्यू इज मोर देन फिफ्टी लैक्स एंड हम लोग इधर क्या अज्यूम कर रहे गुड्स का वैल्यू इज मोर देन फिफ्टी लैक्स

मुझे सर समझा लगेगा पर जो बायर था उसने ई e कॉमर्स के थ्रू गुड्स परचेस किए थे तो इधर भी एप्लीकेबल तो सर 194 नाइन ओ एंड सिक्स दोनों अप्लाई करेंगे क्या आंसर इज नो अगर ये दोनों अप्लाई हो रहे होंगे 206 इसका मतलब सेलर इवन सेलर इज फुलफिलिंग ऑल द कंडीशन बट स्टिल

बायर का लास्ट ईयर का टर्न ओवर इज मोर देन टेन करोर एंड सेलर का भी लास्ट ईयर का टर्न ओवर इज मोर देन टेन करोर और गुड्स का वैल्यू इज मोर लैक्स अरे भाई इधर तो दोनों सेक्शन एप्लीकेबल हो जाएंगे इधर वन नाइनटी फोर क्यू भी होगा एंड टू जीरो सिक्स सी वन एच भी होगा इधर हम लोग क्या कर रहे हैं ई कॉमर्स से परचेस नहीं किया है ई e कॉमर्स से परचेस नहीं किया है तो इसलिए वन फोर ओ नहीं आया ठीक है तो नॉर्मल नॉर्मल जाके किया है सो so, इधर 194 नाइनटी फोर क्यू भी आएगा बिकॉज बायर का टर्न ओवर लास्ट ईयर एंड गुड्स का वैल्यूज सेन टेन करोर एंडल्यू इज मोर देन फिफ्टी लैक्स एन इन दैट केस ये दोनों सेक्शन एप्लीकेबल होंगे तो कौन सा सेक्शन ओवर होगा तो so, सेक्शन जो ओवर होने वाला है वो होने वाला है वन नाइनटी फोर क्यू एंड नॉट टू जीरो सिक्स सी वन एच ये हम लोग ने पहले ही सीखा है तो ये पांच सिचुएशंस मैंने डिस्कस किए प्लीज ये पांच सिचुएशंस बहुत 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 अच्छे से करना इसमें से मुझे क्वेश्चन एक्सपेक्टेड है इन द एग्जाम ओके ठीक है नेक्स्ट uh, जाते हैं आगे टू पर्सन बायर एंड सेलर बायर परचेसेस टेंडू लीव टिम्बर एक्सेट्रा वो जो बड़ा लिस्ट है ना टीसीएस में, में जो बड़ा लिस्ट है वो, वो परचेस करता है लीव, बायर. Okay, कैसे और ये जो मेकअप पेमेंट होगा इसमें से वो टीसीएस भी कलेक्ट करेगा एकदम परफेक्ट है तो टीसीएस तो कलेक्ट हो जाएगा इसमें कुछ नया नहीं है अगर ये बायर ने इफ दिस बायर गिव्स अ डिक्लेरेशन टू द सेलर दैट दीज गुड्स दीज गुड्स आर गोइंग टू बी यूज फॉर पावर जनरेशन अगर बायर एक डिक्लेरेशन देता है टू द सेलर कि जो मैं परचेस कर रहा हूं ना वो परचेस किसके लिए कर रहा हूं पावर जनरेशन के लिए कर रहा हूं अगर ये डिक्लेरेशन सेलर को मिला देन सेलर विल नॉट कलेक्ट द टीसीएस फ्रॉम द बायर सेलर विल नॉट कलेक्ट द टीसीएस फ्रॉम द बायर ये भी हम लोग ने पढ़ लिया था पर अगर आपको ये नहीं मालूम होगा तो ये आपके लिए नया पॉइंट था इफ बायर इज परचेसिंग द गुड्स डेफिनेटली सेलर ये जो स्पेसिफिक गुड्स है डेफिनेटली सेलर टीसीएस कलेक्ट करेगा ओके okay, बट अगर बायर ने डिक्लेरेशन दिया कि आई वॉन्ट टू यूज दिस गुड्स फॉर पावर जनरेशन दैट किस सेलर विल नॉट कलेक्ट द टीसीएस ओके बट द बायर इज परचेसिंग द गुड्स राइट नाउ हर यू आर थिंकिंग ओनली फ्रॉम सेल पर टीसीएस है मुझे एक चीज बता कि हम लोग ये केस में कौन सा सेक्शन यूज कर रहे हैं टीसीएस का सेक्शन यूज कर रहे हैं बट यू नेवर थॉट इन रिलेशन टू टी डी एस बिकॉज वो जो बायर है बायर इज परचेसिंग द गुड राइट इफ द बायर इज परचेसिंग द गुड्स कैन आई से कैन आई से इधर वन नाइनटी फोर क्यू भी एप्लीकेबल हो सकता है ये yes. इधर 194 नाइन्टी फोर क्यू एप्लीकेबल हो सकता है और अगर पावर जनरेशन के लिए अगर उसे डेक्लरेशन दिया है कि आई एम यूजिंग दीज गुड्स फॉर पावर जनरेशन टीसीएस तो एप्लीकेबल नहीं होगा पर दोस्त अगर 194 नाइनटी फोर क्यू के कंडीशन सेटिस्फाई हो रहे हैं इन फोर क्यू डेफिनेटली एप्लीकेबल हो जाएगा डेफिनेटली एप्लीकेबल हो जाएगा पावर जनरेशन के लिए हो या ना हो अगर पावर जनरेशन के लिए होगा टीसीएस नहीं लगेगा वन नाइनटी फोर क्यू डेफिनेटली लगेगा ये तेरा क्लरिफिकेशन है बट ऑफकोर्स वन नाइन्टी फोर क्यू लगने के लिए वो जो बायर है उसका लास्ट ईयर का टर्न ओवर शुड बी मोर देन टेन करोर और ये जो परचेस कर रहा है उसका वैल्यू शुड बी मोर देन फिफ्टी लैक्स ये सब ऑफकोर्स कंडीशन सेटिस्फाई होनी चाहिए बट माई पॉइंट इज वन नाइनटी फोर क्यू कैन बी एप्लीकेबल इवन दो ही इज यूजिंग दो गुड्स फॉर पावर जनरेशन एकदम चका चक ओके सी आई हैव रिटिन हियर। बट बायर इज परचेसिंग द गुड्स टीडीएस कैन बी एप्लीकेबल यस, क्लैरिफिकेशन दिया वन नाइनटी के अंडर टीडीएस विल बी एप्लीकेबल इफ द कंडीशंस आर सेटिस्फाइड ओके दीज आर द 12 पॉइंट्स। नाउ अगेन थर्टींथ पॉइंट पे आता हूं ज सेक्शन वन नाइनटी क्यू एप्लीकेबल इन केस ऑफ गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट परचेज कर रहा है यार गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज बायर अगर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट परचेस कर रहा है तो वन क्यू गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को एप्लीकेबल होगा क्या गवर्नमेंट डिपार्टमेंट पे 194 क्यू का रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा क्या टीडीएस काटने का ऑफकोर्स होगा अगर सच गवर्नमेंट डिपार्टमेंट इज कैरिंग आउट एनी बिजनेस और कमर्शियल एक्टिविटी

समटाइम्स द डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट सेल्सर्टन गुड्स इधर गवर्नमेंट वॉज द बायोर योर गवर्नमेंट वॉज द बायोर एंड देरकिंग क्यू गवर्नमेंट पे लगा सकते हैं क्या बराबर नीचे पॉइंट में गवर्नमेंट इज द सेलर सो जब भी अगर आपने गवर्नमेंट से कुछ भी परचेज किया और आप जब गवर्नमेंट को पे करोगे तभी आप टीडीएस काटोगे कि नहीं काटोगे ये क्वेश्चन है सी समटाइम्स डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट सेल्स सर्टन गुड्स सो कैन डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट कंसिडर्ड एज सेलर एंड वन नाइनटी फोर क्यू में जब भी आप गवर्नमेंट को पेमेंट करोगे तभी टीडीएस काटने का रिक्वायरमेंट है क्या आंसर इज नो इट कैन नॉट बी कंसिडर एज सेलर मतलब अगर आपने गवर्नमेंट से कुछ परचेज किया होगा इवन दो योर पास्टर्स टर्न ओवर इज मोर देन टेन करोर

इन दिस चार चार प्रोविजन। थोड़े से ही बाकी है। दो तीन आ, स्लाइड बाकी है। उसके बाद हम लोग हमारा पूरा का पूरा आ, रिविजन रिविजन क्या बोल रहेमेंट कंप्लीट होने वाला है अभी टीसीएस प्रोविजन सबका ध्यान इधर मैंने जो रिविजन लेक्चर भी अपलोड किया है

अगर मैं सात लाख तक रेमिटेंस कर रहा हूं बैंक मेरे से टीसीएस कलेक्ट नहीं करेगा पर अगर मैं आठ लाख का रेमिटेंस कर रहा हूं तो सिंस इट इज मोर देन सेवन लैक्स बैंक मेरे से आठ लाख तो लेगा ही जितना रेमिटेंस करना है उसके साथ साथ टीसीएस भी कलेक्ट होगा ओके ये तो कुछ इसमें कुछ नया सीखे नहीं हम ये पहले से हम लोग को मालूम था और और एक चीज था ओवरसीज टूर पैकेज ओवरसीज टूर पैकेज में अगर मैंने बायर ने अगर मैंने ओवरसीज टूर पैकेज लिया फ्रॉम द सेलर ऑफ द पैकेज एम द बायर ओवरसीज टूर पैकेज लिया दो लाख रुपए हुए मैं जब भी वो टूर टूर ऑपरेटर को पैसा दूंगा दो लाख रुपए उसके साथ साथ वो मेरे से क्या कलेक्ट करेगा टीसीएस कलेक्ट करेगा ओके okay. इधर तक लाला कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है ओके okay. इसमें क्लरिफिकेशन क्या आया इसमें क्लैरिफिकेशन आया जो हम लोग इधर बायर बायर जो हम लोग बात कर रहे हैं ना कि आई वॉन्ट टू रेमिट द फंड आउटसाइड इंडिया ये जो है ना बायर इधर ये दोनों केस में जो बायर है ये बायर अगर नॉन रेसिडेंट होगा तो क्या थोड़ा सा ना लॉजिकली सोचो यू आर अ नॉन रेसिडेंट यू स्टे इन यू इन द यूएस इन द यूएस यू केम टू इंडिया फॉर विजिट घूमने के लिए आए इंडिया ठीक है आपके पेरेंट्स रहते वॉट एवर घूमने के लिए इंडिया आए उसके बाद जैसे हम बीस इधर बीस दिन आए ना आपके वाइफ का कॉल है यूएसए और आपके वाइफ ने बोला कि अर्जेंट नीड है पैसे का अर्जेंट नीड है तो आपने क्या किया आप बैंक के पास गए और बैंक से पैसा रेमिट किया अभी द क्वेश्चन इज आपने जितना रेमिट किया दैट इज से फॉर एग्जाम्पल मोर देन सेवन लैक्स तो बैंक आपसे टीसीएस कलेक्ट करेगा क्या यू आर अ नॉन रेसिडेंट यू आर अ नॉन रेसिडेंट यू आर कमिंग इन टू इंडिया फॉर विजिट उसके बाद uh, sending some money outside India. तो बैंक, आप आप तो जैसे जैसे से से पैसा पैसा करेगा करेगा क्या? आप जैसे से बैंक पैसा कलेक्ट नहीं टीसीएस अंडरस्टैंड वन थिंग ये टीसीएस का प्रोविजन जो है वो नॉन रेसिडेंट को एप्लीकेबल नहीं होता है जो इंडिया में विजिट के लिए आया है वो नॉन रेजिडेंट है वो इंडिया में विजिट के लिए आया है और वो अगर पैसा रमेट करता होगा तो उसके लिए सेक्शन एप्लीकेबल नहीं होता है दिस इज द क्लैरिफिकेशन सी वॉट इफ द बायर इज अ नॉन रेसिडेंट क्लैरिफिकेशन दिया दैट टी सी एस विल नॉट बी एप्लीकेबल इफ टू कंडीशन आर सैटिस्फाइड कंडीशन इज बायर इज अ नॉन रेसिडेंट मतलब यू आर अ नॉन रेसिडेंट एंड ही इज कमिंग इन टू इंडिया फॉर विजिट

लास्ट छोटे से पॉइंट बाकी है रिटर्न ऑफ इनकम में ये लास्ट चैप्टर है जिसमें अमेंडमेंट से बाकी एवरीथिंग इज द सेम ओके अभी हम लोग ने पढ़ा था रिटर्न ऑफ इनकम होगा तो हु विल वेरीफाई द रिटर्न वेरीफाई करने के लिए मैं कंपनी का बात करता हूं कंपनी के केस में मैनेजिंग डायरेक्टर कैन वेरीफाई द रिटर्न बट बाय सम एक्स वाई जेड रीजंस बाई रीजंस रीजन दैट मैनेजिंग डायरेक्टर इज नॉट अवेलेबल देन इन दैट केस एनी अदर डायरेक्टर इन इंडिया कैन साइन द रिटर्न एनी अदर डायरेक्टर भी हो सकता है और एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब्ड ओके प्रिस्क्राइब मतलब गवर्नमेंट प्रिस्क्राइब करेगा कि ये भी बंदा रिटर्न साइन कर सकता है अगेन एम रिपीटिंग कंपनी है रिटर्न कौन साइन कर सकता है एमडी अगर एमडी इज नॉट एमडी इज नॉट अवेलेबल बाय एक्सपाइजेड रीजन टू साइन द रिटर्न एनी अदर पर्सन एनी अदर डायरेक्टर इन इंडिया और एनी अदर प्रिस्क्राइब्ड पर्सन अभी ये प्रिस्क्राइब पर्सन जो है ना ये कभी प्रिस्क्राइब किया नहीं था तो ये क्लैरिफिकेशन पर्सन को क्या किया कर कर दिया ओके okay, हम लोग देखते हो क्या है है केस में कौन कर सकता है? Designated partner can sign the return. अगर वो अवेलेबल देन एनी अदर पार्टनर कैन साइन द रिटर्न और एनी अदर प्रिस्क्राइब पर्सन तो अभी इधर भी एनी अदर प्रिस्क्राइब पर्सन वॉज नॉट स्पेसिफाइड उन्होंने क्या किया एनी अदर प्रिस्क्राइब पर्सन स्पेसिफाई कर दिया कौन है वो एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब एनसीएलटी, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल एनसीएलटी, एनी पर्सन अपॉइंटेड बाय एडजुडिकेटिंग अथॉरिटी मतलब एनसीएलटी कैन अपॉइंट पर्सन फॉर डिस्चार्जिंग द फंक्शन ऑफ इंटरिम इम रेजोल्यूशन प्रोफेशनल रेजोल्यूशन प्रोफेशनल लिक्विडेटर अंडर आई मतलब इंसॉल्वेंसी एंड बैंक कोड अभी इंटर लेवल पे एंड एग्जीक्यूटिव लेवल पे इतना स्ट्रेस मत लेना इतना स्ट्रेस मत लेना आईबीसी ये चैप्टर आपको फाइनल में आ, मिलेगा तो ये सब कुछ ये जो इंटर रेजोल्यूशन प्रोफेशनल है रेजोल्यूशन प्रोफेशनल ये सबका आपको डेफिनेशन बहुत डिटेल में फाइनल लेवल पे मिलने वाला है पर अभी के लिए सिर्फ इतना याद रखना एनी अदर पर्सन प्रिस्क्राइब जो है वो डिफाइन किया है किसने डिफाइन किया है एनसीएलटी ने डिफाइन किया है बस इतना याद रखा तो भी सफिशियंट है ओके okay, आगे बढ़ते हैं था रिटर्न ऑफ इनकम किसको भरना किसको पड़ता है तो उसमें थोड़े क्राइटेरिया इलेक्ट्रिसिटी का बिल था बाद में अपने सेविंग्स अकाउंट में इतना पैसा डाला तो ये होता है बाद में घूमने के लिए गए और दो लाख से ज्यादा खर्चा किया तो इन दैट केस आपको रिटर्न ऑफ इनकम कम्पल्सरी फाइल करना पड़ता है तो वो सब तो है ही बट इन एडिशन टू दो

ड्यूरिंग द रिलेवेंट प्रीवियस ईयर अगर मैं एक पर्सन हूं जो बिजनेस में इन्वॉल्व हूं और, और, sales, और year, मुझे फाइल करना अगर मेरा बिजनेस है अगर मेरा टोटल सेल्स इज मोर देन सिक्सटी करोर मुझे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ता है अगर मेरा प्रोफेशन है मेरा टोटल ग्रॉस रिसीट आर मोर देन टेन लैक्स तो भी मुझे रिटर्न ऑफ इनकम फाइल करना पड़ेगा ओके okay. उसके बाद आता है इक्वल टू इयर्स एट एनी टाइम ड्यूरिंग प्रीवियस कौन है मैं रेसिडेंट इंडिविजुअल हूं जिसका एज इज मोर देन ओके, इन दैट केस एग्रीगेट ऑफ टी एंड टीसीएस इज इक्वल टू और मोर देन 50,000 थाउजेंड मतलब मैं फॉर एग्जाम्पल मैं 75 फाइव का हूं क्चुअली आई एम सेवेंटी थ्री ईर्स ओल्ड ओके तो सेवेंटी थ्री ईर्स ओल्ड है मुझे जो पेमेंट किया था ना लोगों ने उसपे बहुत सारा टीडीएस काटा बहुत सारा टीसीएस एंड टोटल मेरा इनकम एक्चुअली कुछ नहीं है पर जिनोंने मुझे पेमेंट किया ना उन्होंने टी डी एस काटा टीसीएस काटा एंड इन दैट केस मेरे मेरे एक फॉर्म रहता है फॉर्म ट्वेंटी सिक्स एयर्स करके तो वो फॉर्म देखने के बाद मुझे समझा माँ कसम इतना टीडीएस काटा इतना टीसीएस काटा मेरा तो टोटल तो 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 टीडीएस काटा है फिफ्टी नाइन थाउजेंड का

नॉन रेसिडेंट भी आ सकता है बिकॉज ऊपर रेसिडेंट इंडिविजुअल था राइट right? जो जिसका एग्रीगेट एग्रीगेटीडीएस एंड टीसीएस इज इक्वल टू और मोर देन ट्वेंटी थाउजेंड है नीचे ट्वेंटी राइट बेसिक कॉन्सेप्ट का अगर मेरा फर्स्ट लेक्चर आपने वो प्लेलिस्ट में देखा होगा तभी मैंने एक्सप्लेन किया था कि जो हायर डिडक्शन होते हैं ना मतलब जो बेसिक एक्सम्शन लिमिट है टू पॉइंट फाइव का जो थ्री लैक्स हुआ है सीनियर सिटीजन के लिए दो सीनियर सिटीजन रेसिडेंट सीनियर सिटीजन तो ही उनको तीन लाख का बेनिफिट मिलता है

एक नंबर उसके बाद पर्सन हैविंग सेविंग्स बैंक अकाउंट जिसका सेविंग्स बैंक अकाउंट है और जिसका डिपॉजिट इन वन और मोर सेविंग्स बैंक अकाउंट एग्रीगेट में मोर देन फिफ्टी लैक्स मोर देन और इक्वल टू फिफ्टी लाख रुपीज जिसका सेविंग बैंक में डिपॉजिट है

सो दीज आर दिंग्स विच यू शुड रिमेंबर इन रिलेशन टू रिटर्न ऑफ इनकम इसमें अभी लास्ट जो एक पॉइंट बाकी है वो अभी हम लोग डिस्कस करने वाले है अभी अपने बहुत सारा न्यूज सुना रहेगा कि पैन और आधार लिंक करना है पैन और आधार लिंक करना है इसका डेट है ये है उसके बाद ये एक्सटेंड हुआ उसके बाद और एक्सटेंड हुआ उसके बाद और एक्सटेंड हुआ उसके बाद और एक्सटेंड हुआ उसके बाद थर्टी वन थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी टू वॉज द लास्ट डेट टू लिंक योर पैन विथ आधार राइट आई थिंक तुम लोग ने ये किधर ना किधर सोशल मीडिया पे किधर ना किधर तो सुना ही होगा तो इसके बारे में अमेंडमेंट है नाउ लिंक योर पैन विथ आधार ऑन और बिफोर थर्टी वन थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अगर आपने थर्टी वन थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के पहले लिंक नहीं किया देन आपको फी भरना पड़ेगा अंडर सेक्शन टू थर्टी फोर एच नॉट एक्सीडिंग 1000 मतलब मैक्सिमम 1000 का आपको फी भरना पड़ेगा इफ यू फेल टू लिंक योर पैन विथ आधार ऑन और बिफोर 31 3 2022 इसका मतलब उन्होंने और एक चीज लिखा था तो जिस जिसका मैंने थोड़ जिसका थोड़ा सा सिंपलीफाई किया है मैं मैंने सी अह एज ऑन 31 3 2022 इसके पहले अगर मैंने लिंक किया तो मुझे फील लगेगा क्या नहीं लगेगा 31 3 2022 से लेके तीन महीने आगे मतलब 36 2022 अगर मैंने ये पीरियड में अगर लिंक किया तो मुझे पांच सौ रुपए का फी लगेगा अंडर सेक्शन टू थर्टी फोर एच और अगर मैंने, 31, 36, 2022 के बाद, मैंने अगर लिंक किया तो मुझे मैक्सिमम कितना फी लगेगा 1, रुपीस का फी लग जाएगा ये एक उन्होंने पैराग्राफ फॉर्म में दिया था मैंने पिक्टोरियल फॉर्म में तुम लोग को बताया आई एम रिपीटिंग थर्टी वन थ्री ट्वेंटी टू के पहले आपने लिंक किया तो नो फी एट ऑल थर्टी वन थ्री टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के बाद किया बट प्रायर टू थर्टी सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू देन आपको पांच सौ रुपए फी में आपका काम हो जाएगा और अगर आपने थर्टी सिक्स टू थाउजेंड ट्वेंटी टू के पहले भी नहीं किया उसके बाद किया तो आपको हजार रुपए का फी लगेगा अंडर सेक्शन टू थर्टी फोर एच नाउ यह देखो अपना लास्ट पॉइंट इफ पैन एंड आधार आर आर नॉट लिंक्ड उन्होंने एक पॉइंट बोला था लास्ट टाइम भी हम लोग ने जब भी जब भी हम लोग ने पहले पढ़ा था ये तभी एक चीज क्लियर था कि अगर पैन एंड आधार इज नॉट लिंक्ड देन इन दैट केस पैन विल बी इनऑपरेटिव मतलब पैन है एग्जिस्टेंस में ऐसे मानेंगे ही नहीं पैन विल भी इनऑपरेटिव बट सर हम लोग को ये जानना है कि अगर पैन इनऑपरेटिव होगा देन वॉट विल बी द कॉन्सिक्वेंस चलो चलो मान लिया पैन इनऑपरेटिव हो गया उससे क्या होगा वो पहले डिस्कस करते हैं अगर तेरा पैन इनऑपरेटिव है रिटर्न ऑफ इनकम कर पैन से अगर तू आधार लिंक नहीं किया पैन से नॉट बी एबल टू फाइल इनकम अगर आपने कुछ फाइल किया प्रोसेस नहीं हुआ है तो प्रोसेस नहीं होगा जो आपका पेंडिंग रिफंड है वो मिलेगा नहीं पेंडिंग प्रोसीडिंग्स ऑफ डिफेक्टिव रिटर्न जो है इट कैनॉट बी कंप्लीटेड चांसेस ऑफ डिडक्टिंग हायर टी डी एस अपने अगर टीडीएस का चैप्टर बहुत अच्छे से पढ़ा होगा तो आपको मालूम होगा मैंने एक चीज बोला था पैन टीडीएस रेट विच इज एप्लीकेबल टू यू इज हायर देन द नॉर्मल टी डी एस रेट फॉर एग्जाम्पल एक सेक्शन है टू जीरो सिक्स डबल ए टू जीरो सिक्स डबल ए में स्पेसिफिकली बोला है कि अगर सामने वाले पार्टी ने पैन मुझे नहीं दिया तो मैं ट्वेंटी परसेंट पे टी डी एस काटूंगा इफ यू इफ द पैन इज मैं जिसको पेमेंट करने वाला हूं, उसके पास है, पर वो है तो मैं ऐसे अज्यूम करूंगा कि उसके पास पैन ही नहीं है अगर उसके पास पैन ही नहीं है ना टू जीरो सिक्स डबल अप्लाई करके मैं हायर रेट ऑफ टी डी एस काटूंगा वाइल मेकिंग

थोड़ा वापस देखते हैं क्या बोला उन्होंने उन्होंने बोला पैन और आधार लिंक करना चाहिए पैन और आधार लिंक नहीं किया प्रायर टू 31 3 2022 तो उसके बाद आपको क्या होगा उसके बाद दो कॉन्सिक्वेंसेस होंगे एक 234 एच का फी लगेगा और दूसरा आपका पैन इनऑपरेटिव होगा अभी उन्होंने क्या बोला कि जो पैन इनऑपरेटिव होने के बाद ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है ना ये कॉन्सिक्वेंसेस वी विल स्टार्ट गेटिंग एप्लीकेबल फ्रॉम वन फोर 2023 थाउजेंड ट्वेंटी थ्री एंड नॉट वन फोर टू थाउजेंड ट्वेंटी थोड़ा सा अच्छा काम किया उन्होंने बोला ना कि वो टू थाउजेंड ट्वेंटी थ्री से हम अप्लाई करेंगे टू थाउजेंड ट्वेंटी टू से नहीं बट आपको टू थर्टी फोर एच का तो फी तो भरना पड़ेगा आपको टू थर्टी फोर एच का फी भरना पड़ेगा फी भरना पड़ेगा बट जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो एप्लीकेबल नहीं होंगे टिल 1 फ़ोर 2023 इसका छोटा सा एग्जाम्पल देके मैं बताता हूँ मुझे पैन कब तक लिंक करना था आधार से 31 थ्री 2022 तक राइट मैंने लिंक कभी किया 31 ट्वेल्व 2022 पर बराबर है तो मुझे एक हजार रुपए का फी लगेगा पर मेरा पैन इनऑपरेटिव नहीं होगा व्हाई बिकॉज़ आई डिड दिस डिड ऑल दीस थिंग्स ऑफ लिंकिंग द पैन विद आधार प्रायर टू 14 2023 राइट right? ये मेरा फर्स्ट सिचुएशन था अगर समझो सेकंड सिचुएशन मुझे पैन कभी लिंक करना था मुझे पैन लिंक करना था 31 3 2022 को पर मैंने पैन कभी लिंक किया 77 2023 को इन दिस केस मुझे फी भी लगेगा 1000 का एंड ये जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो भी एप्लीकेबल हो जाएंगे बिकॉज ये कॉन्सिक्वेंसेस कब तक नॉट एप्लीकेबल है -2023 तक मतलब -2023 के बाद आपने अगर पैन लिंक किया आधार से तो आपको ये कॉन्सिक्वेंसेस एप्लीकेबल हो जाएंगे तो बेसिकली इधर दोनों चीज एप्लीकेबल होगा पैन का फी भी और फी भी टू थर्टी फोर एच का फी भी एंड कॉन्सिक्वेंसेस uh, भी and this is how we are done with the amendments which are applicable for november and december examination i tried my level best to uh, explain each and everything in detail in the most simple manner which is possible from my end i hope you have understood it if you have any further doubts please let me know in the comment box or uh, you can text me on my personal phone number i can i will respond you as soon as possible uh, इस ये नोट्स जो है ये नोट्स का नोट्स मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दिया है प्लीज चेक द लिंक एंड डाउनलोड डाउनलोड दीज नोट्स वन मोर थिंग वन मोर थिंग आई वॉन्ट टू टेल यू आई हैव मेड दिज नोट्स विथ एन इंटेंशन दैट यू विल नॉट फेस एनी प्रॉब्लम ऑन द लास्ट डे बिकॉज लास्ट डे पे यू हैव टू कंसाइज अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड रीड तो ये कंसाइज नोट्स है जितना ईजी मैं बना सकता था उतना ईजी मैंने आपके लिए बना दिया है आई होप यूल लाइक इट एंड आई होप Uh, you'll be able to cover the amendments in the quickest manner. Okay. If you have liked this video, please hit a like button. If you have not yet subscribed to this channel, please subscribe to this channel. And if you think that this is actually helpful for you, this video was actually helpful for you, please share it with your friends and tell them also to subscribe to this channel. I will see you in the next lecture. See you. Bye bye and take care.